एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग जो कि हमारी गणेश विसर्जन के नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्योंकि हमने डेढ़ दिन तक स्थापित किए थे तो उसके बाद का ये व्लॉग है। एंड ये प्लान नहीं था एंड हमें लगा कि ये एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है जो हमने ऑब्जर्व किया। एंड वैसे तो ये चीज़ सभी को पता है बट सभी लोग कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं, कई लोग फॉलो भी करते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी अपना एक्सपीरियंस दिखाएं आपको, आपसे शेयर करें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये मैसेज सब तक पहुँच पाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को भी आप एंजॉय कर पाएं। तो चलिए, आप देख सकते हैं सुबह के 10 बज चुके हैं एंड यहाँ पर सब जगह एक्चुअली संडे ही है। एंड संडे है तो हम लोग थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट होता है आराम से, क्योंकि पता है कि किसी को ऑफिस नहीं जाना है, किसी को स्कूल नहीं जाना है। तो आज हम लोग आराम से उठे हैं, तैयार हो चुके हैं, फिलहाल ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि आज हमारे बनने वाले हैं आलू के पराठे। क्योंकि यूजुअली जो भी वीकेंड्स होते हैं, मींस सैटरडे या संडे, तो हम प्रेफर करते हैं कि पराठा, कोई स्टफ पराठा खाएं एंड इन्जॉय करें डिलीशियस पराठास को, जो कि अपना देसी पराठा ब्रेकफास्ट रहता है। तो अभी बस वही करने वाले हैं। और निर्भय अपना फ्रेशन अप होने के लिए गया हुआ है एंड निर्भय के डैड अपनी कार क्लीन कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए निर्भय के डैड अपनी कार को चमकाते हुए, संडे स्पेशल आई एम श्योर सभी लोग करते होंगे संडे के दिन अपनी गाड़ी को अच्छे से क्लीन। कोई नहीं करता, सब करते हैं, डिपेंड करता है। हाँ, डिपेंड तो करते हैं, कहीं लोग कार वॉश में करवाते हैं, कहीं लोग खुद करते हैं, कई लोगों को खुद करने में मजा आता है ज्यादा अच्छे से। दोस्तों मैं आ गया हूँ और देख सकते हो आप, मैं अच्छा बच्चा बन के आया हूँ नहा धो के, और अब आपको ले चलते हैं स्पेशल पराठे की गली जहाँ पे शिल्पा के बन रहे हैं आलू के पराठे। गरम आलू का पराठा, अचार एंड चाय। पीछे बैकयार्ड में बेचारी पता नहीं बर्ड को किसने, कैट वैट ने मारा है, तो अब इसको डिक करके डाल देते। पता नहीं कौन कि बर्ड, ये कैट्स खाती हैं क्या इनको? हाँ, कैट्स या कबूतर वगैरह, पता नहीं कैट्स ही होंगे जिसने मारा होगा। मंकीज़ तो नहीं। हमें शॉप पर आए हैं थोड़ा, क्योंकि ये जो बैग है ये क्विक साइज है जीन्स का। आपने लास्ट टाइम कहा था कि आपने दिखाया नहीं कि हमने क्या शॉपिंग किया है, तो ये बड़ा साइज़ कुछ आ गया था, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ ट्राई नहीं कर सकते हैं। तो जब घर जाकर देखा तो ये थोड़ा बड़ा था, तो बस उसी को रिटर्न करने के लिए अभी मॉल में आए हुए हैं। एंड चलो अभी चेंज करवाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्रूटी एंड माजा, तो यहाँ पर देखिए फ्रूटी भी है और माजा भी है, जो कि बहुत रेयरली मिल पाती है, और माजा का बड़ा वाला बॉटल भी है। तो कौन सा लेना चाहिए? आई थिंक फ्रूटी ले लो, एक माजा बड़ा वाला ले लेते हैं और फ्रूटी ले लेते हैं। कितने? दो दो। ओके, पता नहीं कितने टाइम बाद। एक तो यहाँ पर पहले ही विंटर्स था और लास्ट ईयर से आई थिंक आना शुरू हुआ है यहाँ पर, फ्रूटी एंड माजा इंडियन स्टोर्स में अभी मिलने लगे हैं। तो देखिए, हाँ ये ले लेते हैं, हाँ बहुत टाइम बाद, क्योंकि हम मिस करते हैं, जो कि इंडिया में मिलती है, तो अब यहाँ आने शुरू हुए हैं। बाकी तो आप देख ही सकते हैं, ये एवरेस्ट के मसालाज हैं, ये पूरी जो लाइन है यहाँ पे, और ये वाली भी सिर्फ इंडियन सामान ही मिलता है, जो मसालेज होते हैं, मसाला हो गया, जो भी जूस वगैरह वगैरह, आटा चावल दाल, वो सब मिल जाता है इधर। अभी अभी कुछ देर पहले ही हम लोग मॉल से आए हैं, जो हमें एक्सचेंज करवाना था हमने आपको दिखाई दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि आपने तो दिखाया ही नहीं कि आपने क्या शॉपिंग किया है, तो जस्ट वही चेंज करवाना था, और कुछ एक फ्रूटी वगैरह जो हमने आपको अभी दिखाई वही लेकर आए हैं। तो ये देखिए जो हमने कल विसर्जन किए हैं गणपति जी, तो एक उस दिन तो उन्हें कोई टच नहीं किया जाता है ना, नेक्स्ट डे ही उनको जो पानी होता है उसे गमले में या कहीं पे
जो भी आपके बगीचा है उसमें डाल देते हैं। और मैं आपको दिखाना ये चाहती हूँ कि देखिए ये गणपति जी हमने बनाए थे, तो जो तो मिट्टी वाला पार्ट था वो पूरा हो गया है डिजोल्व, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट क्योंकि हमने ये पेंट किए थे तो जो ये पेंट था एक्रिलिक पेंट, ये पेंट डिजोल्व नहीं हुआ है, ठीक है आप देख रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हम एनवायरमेंट में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के या कितने तरीके के जो गणपति जी मार्केट से खरीदते हैं वो डिजोल्व नहीं होते हैं। आपने देखा ये भी एक्चुअली मुझे पेंट नहीं करना था, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ हमें पेंट करके भी दिखाएं कि किस तरीके से बनते हैं, वो सब प्रोसेस दिखाएं। तो उस रिक्वेस्ट को फॉलो करने के लिए मैंने यहाँ पर पेंट करके अपने गणपति जी बनाए थे। बट नेक्स्ट ईयर आई एम श्योर कि मैं पेंट करके बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर इस तरीके से हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट होता है और सी क्रिएचर्स भी हैं हमारे, कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है वहाँ पर। तो ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ये तो चलो खाली पेंट ही था, बट जो हम मार्केट से परचेज करते हैं गणपति जी, वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो तो इतना ज़्यादा डेंजरस है कि वो आपको पता ही है, जब यही पेंट्स नॉर्मल पेंट ही हमारा डिजॉल्व नहीं हो रहा तो वो कितना टाइम उसको लगेगा। तो अगर हम घर पर बना सकते हैं इको फ्रेंडली, जो कि हल्दी से भी बना सकते हैं और मिट्टी से भी बना सकते हैं, ये कितनी सारी चीज़ें हैं, आटे से बना सकते हैं, बल्कि उनकी वीडियोज़ आपको हमारे क्राफ्ट चैनल पर भी मिल जाएगी। और जब इतने आसानी से बना सकते हैं और अपने हाथों से, तो फिर क्यों हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट करें। तो ये एक छोटा सा मैसेज है जो कि मैं प्रैक्टिकली दिखाना भी चाहती थी। तो आई एम श्योर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हमें क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ आप सब भी इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें बात को अगले साल के लिए। चलिए हम लोग चलते हैं इसे गमले में प्रवाहित करने के लिए। गणपति जी पापा बोलते हुए, गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया, मूर्ति मोरिया। तो ये यहाँ पर पूरी लगा है एंड तुलसी जी भी लगी है। अच्छे से सारी मिट्टी को डाल देना। गणपति बाबा मोरिया। डेकोरेशन अच्छी लगी होगी एंड थोड़ा आइडियाज भी मिला होगा आगे फेस्टिवल्स में है, जो भी दशहरा, दिवाली, नवदुर्गा में आप भी कर सकते हो घर पर ही। हमने कुछ भी ऐसा बाहर से नहीं खरीदा था, सब कुछ घर की चीज़ों से ही, घर की LEDs, टेबल, साड़ी, दुपट्टा, इन सब से ही डेकोरेशन किया था। एंड Bye-bye.